बीजापुर के बिंगाचल में इस वक्त नक्सलियों द्वारा की गई बड़ी वारदात के बाद फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो यहाँ पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं जो फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो काफ़ी मेहनत कर रही है। जो आगजनी की जो घटना है नक्सलियों द्वारा जिसे अंजाम दिया गया है अब से कुछ देर पहले, तो आग पे नियंत्रण पाने की काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप न्यूज़ स्टेट पे देख सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ देर पहले नक्सलियों ने यहाँ दो पोकलेन समेत कुछ टिप्पर्स है जो कम से 5 से 6 वाहनों की संख्या बताई जा रही है, उन्हें आग के हवाला किया गया था। लेकिन इस घटना के बाद दक्षिण बस्तर में ये पहली तस्वीर है जब मौका या वारदात पर अग्निशमन जो दल है वो पहुंचा हुआ है। और आधी रात में नक्सल इलाका होने के बावजूद भी जैसे तैसे भी हो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दूं कि कल रात कुटरू के दरभा इलाके में नक्सलियों ने सुरक्षा बल के कैंप पर हमला किया था। UBGL दागे थे, 4 जवान घायल हुए थे जिसमें 2 जवानों को गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में चॉपर की मदद से रायपुर के अस्पताल में रिफ़र करवाया गया था। और 24 घंटे भी इस घटने को नहीं बीते कि बीजापुर जिला मुख्यालय से सटे इस इलाके में नक्सलियों ने एक बार बड़ी वारदात को अंजाम दी है। यहाँ रेत उत्खनन में लगे और रेत जो डंपिंग में लगे उन्हें सप्लाई करने में लगे वाहनों को आग के हवाले किया है। लेकिन अग्निशमन दल की इस कोशिश के तारीफ के काबिल है कि तमाम घटना और दहशत के बावजूद भी इस आधी रात को वो यहाँ आकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वाहनों में जो आग लगे उन्हें ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने से बचा जा सके। फिलहाल घटनास्थल से मिंगाचल से P. रंजन दास, न्यूज़ स्टेट, बीजापुर।